नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन टीवी में। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। कश्मीर मसले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तरातनी जारी है। पाकिस्तान कई बार परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी भी दे चुका है, मगर युद्ध के परिणाम के अनुमान को देखते हुए फिलहाल ऐसी कोई भी संभावना नजर तो नहीं आती। साइंस एडवांस में प्रकाशित एक नए अध्ययन में यह कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध छिड़ने पर कम से कम 50 मिलियन लोग जो है मर सकते हैं और एक दशक तक वैश्विक वायुमंडलीय तबाही जो है वो मच जाएगी। हालांकि भारतीय विशेषज्ञों ने इस तरह के संघर्ष की किसी भी संभावना को खारिज किया है। अब सवाल यह उठता है कि भारत विकास की बात करता है, शांति की बात करता है, वैश्विक भाईचारे की बात करता है, लेकिन ठीक इसके विपरीत पाकिस्तान जो है आतंक, आतंकवाद और परमाणु हमले की बात करता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, विकास का दुश्मन क्यों है पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान को सुधारना अब जरूरी हो गया है? भारत से सीख क्यों नहीं लेता है पाकिस्तान? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे अपने इस शो में, विकास वर्सेस विनाश। जी हां, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे इस रिपोर्ट पर। विकास वर्सेस विनाश। एक तरफ भारत जो है वो लगातार विकास की बात करता है। यूएन में अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर नजर डालें तो लगातार विकास से जुड़ी बात, चाहे वो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की बात हो या किस तरह से वैश्विक पटल पर उन्होंने अपनी बात रखी और किस तरह से सभी देशों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट करने की बात कही, लेकिन ठीक इसके विपरीत हमने पाकिस्तान को भी देखा और पाकिस्तान ने कैसे लगातार आतंकवाद और परमाणु हमले की बात करता रहा। सवाल उठते हैं, तीन सवाल R9 टीवी की तरफ से है। विकास का दुश्मन क्यों है पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान को अब सुधारना जरूरी हो गया है? भारत से आखिरकार सीख क्यों नहीं लेता है पाकिस्तान? शायद पाकिस्तान की मजबूरी रही है। इन्हीं तीनों सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे अपने शो में। हम गेस्ट पैनलिस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। संदीप द्विवेदी, बीजेपी के नेता, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। रिटायर्ड कर्नल JP सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। और कर्नल गोपाल सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सभी गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप जी, आखिरकार क्या चाहता है पाकिस्तान, क्यों विकास की बात नहीं करता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को दोहरा चुके हैं कि अगर पाकिस्तान युद्ध चाहता है या आमना सामना चाहता है तो कर लेना, शिक्षा की बात कर ले, अर्थव्यवस्था की बात कर ले, इन मुद्दों पर हमसे कॉम्पिटिशन कर ले। लेकिन पाकिस्तान जो है वो विकास को छोड़कर तमाम मुद्दों पर भारत से बातचीत कर सकता है लेकिन विकास की बात नहीं करेगा। देखिए सुता जी, इसमें पहली चीज़ तो हमें थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को खंगालना पड़ेगा। जिस तरीके से जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जिस तरीके से धार्मिक पाकिस्तान ने चोला ओढ़ा, आज उसी की देन है कि कहीं ना कहीं धार्मिक कट्टरता उसके ऊपर इतनी हावी हुई कि आज वो एक आग के गोले की तरह कभी भी ब्लास्ट होने की कंडीशन में खड़ा है। दूसरी चीज, पाकिस्तान में जिस तरीके से वहाँ की आर्मी का रोल बहुत संदिग्ध रहा है, हमेशा वहाँ की आर्मी ने जिस तरीके से आतंकवादियों को ट्रेंड करके, वो चाहे अफगानिस्तान में भेजने का काम हो या इंडिया में भेजने का काम हो या सीरिया में ट्रेनिंग के लिए देने के लिए ज़रूरत हो, हमेशा कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन्वॉल्व रही है। ये जो चीज़ें रही हैं पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक सेल्फ वाइजन की तरह रही हैं, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की राजनीति पे जिस तरीके से डायरेक्ट वहाँ की आर्मी का हस्तक्षेप रहा है, जैसे हम खुलेआम तख्ता पलट हुआ, खुलेआम कत्लेआम मचाया, और खुलेआम कहीं ना कहीं पंजाब और पठान की जो आर्मी में डोमिनेंसी है उसकी वजह से बलूचिस्तान या अदर जो एरियाज में उन लोगों ने जिस तरीके से वहाँ उत्पीड़न किया और माइनॉरिटीज़ को खास तरीके से जो 24-25% के आसपास फ्रीडम के समय पॉपुलेशन थी वो आज 102% के आसपास बची, तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ये लोग बेनकाब हो गए। दूसरी चीज़, जिन कंट्रीज़ ने पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एक वेपन्स के तौर पे यूज किया, वहाँ भी कहीं ना कहीं आतंकवाद पनपाने के लिए जिन लोगों ने फंडिंग की, उन्हें भी आज कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि आतंकवाद किसी भी तरह का हो वो कहीं ना कहीं एक ना एक दिन उनके लिए भी नासूर बनता है, और आज ऐसा साबित भी हुआ है, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो या अदर कंट्रीज़ हो जिनका भी उनके तरफ फंडिंग रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में आप देखिए, जितने भी कट्टर धार्मिक कट्टरता वाले कंट्री हैं, वो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ अदर कंट्रीज़ हैं, आप देखिए बुरी तरीके से बैकफुट में है। आज सऊदी अरब जो कट्टर इस्लाम की बात करता था वो भी आज कहने लगा कि महिलाओं के हक की हमें बात करनी पड़ेगी, या अदर कंट्रीज़ भी कहीं ना कहीं आज महिलाओं के जो इस्लाम में चीज़ें अलाउ नहीं की जाती उनके कहीं ना कहीं विकास की बात करने लगा।
कारण उसका यह है कि उन्हें समय रहते पता चल गया कि अगर हम विकास के साथ नहीं चलेंगे तो पाकिस्तान की तरह हम भी विनाश की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान बुरी तरीके से आज बेनकाब हो गया है। 48 कंट्री जो हम कुछ साल पहले कहते थे कि हम अगर भारत ने कश्मीर की बात की तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आज दूर दूर तक पता नहीं चल रहा कि 48 कंट्री कहां गायब हो गए। आज 48 कंट्री तो छोड़िए, विदेश में 48 लोग पाकिस्तान को नहीं मिल रहे हैं जो पाकिस्तान के हक की बात कर लेते। अमेरिका जिसके दम पे हमेशा पाकिस्तान कहीं ना कहीं भारत को दबाने की या डराने की कोशिश करता था, आज वो भी खुलेआम कहीं ना कहीं कह चुका है कि इस्लामिक कट्टरता स्वीकार नहीं की। देखने को मिल रहा है कि बार बार सबक क्यों नहीं ले रहा है पाकिस्तान। सवाल तो यही उठ रहा है ना कि आखिरकार पाकिस्तान सबक क्यों नहीं लेता। हम एक रिपोर्ट दिखाने वाले थे, एक रिपोर्ट दिखाते पहले फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। ये रिपोर्ट देखिए पहले। उनके दिमाग में विनाश घूमता है, उनकी सोच आतंकी है। वो इमरान खान का देश है, वो ना पाकिस्तान है। कंगलों का देश, बदहाली की दुनिया, लेकिन जुबान जहरीली और गढ़ आतंकवाद का। ऐसा ही है इमरान खान का पाकिस्तान। बौखलाए इमरान खान और उनके नेता अपने बयानों से बकवास ही करते हैं। मैं अक्टूबर के आखिर और नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान हिंदुस्तान में जंग होती हुई देख रहा हूं। अगर अमन की बात करोगे तो अमन से बात होगी, अगर जंग की बात करोगे तो जंग की बात होगी। हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, ये जंग जारी है। मोदी इंशाल्लाह हम ये जंग लड़ेंगे। वही हमारा देश सिर्फ विकास की ओर देखता है, कश्मीर में हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहा है, वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहा है और दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी विश्व नेता के रूप में जाने जा रहे हैं। एक तरफ आतंकवादियों की पनाहगाह पाकिस्तान है जहां इमरान खान अपने ही देश को बर्बाद कर रहे हैं, और इधर हिंदुस्तान है जहाँ पाकिस्तान की जी हुजूरी करने वाले अलगाववादी नेताओं के खिलाफ NIA शिकंजा कस रही है। अपने पाले हुए आतंकवादियों के नापाक दम पर इमरान खान खुद POK को तबाह करने की विनाश लीला के खिलौना खेल खेल रहे हैं। वहां के लोगों की जिंदगी नरक हो रही है और जवाब में PM मोदी हैं, जिनकी कूटनीतिक ताकत के बल पर दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। अब परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी देने वाले आतंकवाद के पालनहार पाकिस्तान का बदस्तूर चेहरा सबके सामने है। आज भी कश्मीर में मौके की तलाश में बैठा है पाकिस्तान कि कैसे आतंकवादियों से घुसपैठ कराए, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की मुस्तैदी उनकी इस चाल को हर बार नाकामयाब कर देश का मान बढ़ा रही है। अब भी वक्त है, भारत से सीख लो कि विकास की राह पर चलोगे तो कंगाली और बदहाली से शायद निजात मिल जाए, वरना वो दिन दूर नहीं जब भारत सबक सिखाने के लिए फिर कमर कस ले। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV। तो रिपोर्ट हमने देखी कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान की अगर तुलना की जाए तो किस तरह से भारत जो है लगातार विकास की बात करता आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपनी पुरानी गलतियों से भी सबक नहीं लेता। गीदड़ भभकी पाकिस्तान की तरफ से लगातार दी जा रही है, और खासकर आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद हमने पाकिस्तान की गतिविधि देखी है कि किस तरह से पाकिस्तान बैकफुट पर है, उसके बावजूद जो है बार बार एक ही बात दोहरा रहा है, जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो है वो उठा रहा है। हमारे साथ पैनलिस्ट में रोहित कश्मीरी पंडित जो है वो भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो संदीप, जैसा कि BJP के नेता बता रहे थे कि कहीं ना कहीं एक आर्मी का हस्तक्षेप, संदीप जी आपने बात कही कि आर्मी का हस्तक्षेप जो है वो भी कुछ डिसीजन लेने के लिए, मतलब आप अगर पाकिस्तान सरकार है तो वो कुछ डिसीजन तो इसलिए भी नहीं ले पाती है क्योंकि हस्तक्षेप ज्यादा है। ऐसे में रिटायर्ड कर्नल JP सर, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है कि ये भी एक बड़ी वजह है अगर कोई सरकार ऐसी आती है। इमरान खान से भी उम्मीद थी कि शायद, क्योंकि वो एक प्लेयर है तो वो एक अलग तरीके की सोच लेकर आए और किस तरह से पाकिस्तान को विकास के रास्ते पर ले जाना है, लेकिन वो दिखी नहीं। तो क्या कहीं ना कहीं आर्मी का जो हस्तक्षेप है वो ज्यादा ही है जिस वजह से भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं पाकिस्तानी? देखिए, जब इमरान खान की सरकार पाकिस्तान में आई थी तो हमें बिल्कुल साफ क्लियर था कि ये सरकार भी कोई काम पाकिस्तान के विकास में कि इसका कोई योगदान नहीं होगा। हमने बहुत ही क्लोजली देखा है, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका हमेशा
पाकिस्तान के सरकार में हस्तक्षेप होता है और उन्हीं की ही जो जो आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी है और आईएसआई है, उन्हीं का ही हुक्म पाकिस्तान में चलता है। जो सरकार फॉर्म होती है, चाहे वो इमरान साहब की हो, नवाज शरीफ की रही हो या बेनजीर भुट्टो की रही हो, पाकिस्तान आर्मी का ही हमेशा वर्चस्व रहता है। अब यहाँ देखिए, आज़ादी के बाद में जब दोनों नेशंस का डिवीज़न हुआ था 1947 में, पाकिस्तान ने कौन सी रास्ता अपनाया और भारत ने कौन सा? पाकिस्तान बिल्कुल आर्थिक फ्रंट पर फेल हो चुका है, आतंकी फ्रंट पर बहुत विकास कर चुका है। आतंकवादियों को पना देना पाकिस्तान का विकास है, जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को पालना पाकिस्तान का विकास है। पाकिस्तान पूरे विश्व में फेल हो चुका है और जिस तरह से भारत ने विकास किया है और भारत की जो इकोनॉमी ने उसमें कितना इजाफा हुआ है, वो सबको, विश्व को, सबको जग जाहिर है। और पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान पूरी तरीके से फेल हो चुका है, वो भी सबको पता है। भारत एक शांति प्रिय देश है, भारत एक, लेकिन कब तक शांति प्रिय रह पाएंगे सर, ये भी तो सवाल उठता है। भारत एक वेद विचारों वाला पाकिस्तान को शांति प्रिय देश है, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा हमेशा नारा रहा है। किरणवंतो विश्वमार्यम, सभी, लेकिन सर सब्र का बांध तो लेकिन भारत हमें का भी पाकिस्तान सकता को जिस तरह से पाकिस्तान गीदड़ भभकी देता है, एटॉमिक गीदड़ भभकी ही नहीं सर, अभी जैश के दो तीन से चार आतंकी जो है घुस गए हैं, दिल्ली हाई अलर्ट पर है और त्योहारी सीजन चल रहा है सर, इस तरह जैश के अगर आतंकवादी हैं तो जाहिर सी बात है कहां पनप रहा है जैश, क्यों नहीं कंट्रोल है पाकिस्तान का उसके ऊपर, क्यों नहीं पूरी तरीके से लगाम लगाता है। अब ये आतंकी अगर, हालांकि दिल्ली हाई अलर्ट पर हम इतने सक्षम हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की गतिविधि जब होती है तो सवाल उठता है कि क्या अब सुधारना जरूरी है, कब तक हम शांति प्रिय स्टेट बने रहेंगे? बिल्कुल सुधारना बहुत जरूरी है और हम हर देखो, हमने पाकिस्तान को 1965 में सुधारा, 1971 में सुधारा और उसके बाद में जिस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने पाकिस्तान को सुधारा है और जिस तरह से बालाकोट की स्ट्राइक हुई है, क्योंकि उसने पुलवामा किया था, उसको करारा जवाब जो है बालाकोट स्ट्राइक से हुआ, और जिस तरह से 26 सितंबर को हमने सर्जिकल स्ट्राइक पीओके में की थी, तकरीबन 40 से 50 आतंकियों को मार गिराया था पीओके में, वहाँ पर आतंकी संगठनों के जो कैंप को बर्बाद किया था, उस तरह से हम सुधारने की हमारी पूरी कोशिश है। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि पाकिस्तान ने आतंक के फ्रंट पर बहुत विकास किया है, उन्होंने आतंकियों को पना दे करके, और जैसा मैं कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में सरकार की हुकूमत नहीं चलती, सरकार तो जो आती हैं उनके ऊपर जो हुक्म होता है, जो वहाँ के हुक्म राने हैं, वो हैं पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई, उनका हुक्म चलता है। और जो सैयद मसूद जैसे जो आतंकी हैं, उनका हुक्म चलता है, उनको पालता है। दूर नहीं है वो दिन जब ओसामा बिन लादन को पाकिस्तान ने पाला था और उसका जो सफाया यूएन की, यूके की, यूएस की जो फोर्सेस थी, नेवी शील ने, लेकिन क्या हम अभी ऐसा ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं? कर्नल गोपाल, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या हम इस तरह की कोई कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि साइंस एंड एडवांसेस एक जर्नल में रिसर्च जो आई है सर कि 2025 तक पाकिस्तान और भारत दोनों की अगर बात कर ली जाए तो 400 से 500 के करीब हमारे पास परमाणु हथियार होंगे, और ऐसे में क्योंकि हालांकि कई ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है, लेकिन अगर हम मौजूदा परिस्थिति देखें भारत और पाकिस्तान की, लगातार पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकी दी जा रही है कि हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास, भारत ने एक बार भी नहीं कहा है सर, उसके बावजूद ये कही जा रही है, तो ये जो हालात अगर 2025 तक ऐसे पनपते हैं और अगर युद्ध हुआ तो वो पूरे विश्व के लिए कहें कि बहुत ही डेंजरस होगा और कई दशक तक इसके आफ्टर वॉर इफेक्ट्स जो कहते हैं वो देखने को मिले हैं, तो ये आखिरकार जर्नल्स में उठाने की जरूरत क्यों आन पड़ी, क्योंकि आज हमारे बीच के जो रिश्ते हैं वो नहीं अच्छे हैं। देखिए, सभी को पहले मेरा नमन वंदन। ये आप जो परमाणु बम की जो बात कर रही हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या यो परमाणु जो शक्ति है उसको पीसफुल पर्पजेज के लिए इस्तेमाल किया जाए या विध्वंस के लिए किया जाए? ये जो भी हथियार बनाए जाते हैं वो एक डेटरेंट के लिए रूप में होते हैं, ना कि उनको इस्तेमाल किया जाए। आपने देखी, जब 1944 में अगस्त के महीने में जब विश्व युद्ध चल रहा था,
तो विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था। अभी पाकिस्तान के पास में जो हथियार हैं उससे कहीं ज़्यादा हथियार हमारे पास में हैं। मैंने पिछले बार टीवी चैनल को पूरे स्टैटिस्टिक्स दिया था पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने हथियार हैं, उन हथियारों को किस लिए ये हथियार बनाए गए, सिर्फ डेटरेंट के लिए। लेकिन ये हथियार को, परमाणु बम को एक झुंझुना की तरफ समझ रखा है, वो लिया हाथ में जब जब मर्जी आया उसको घुमा दिया और बजा दिया कि हमारे पास में ये, हम खेल रहे हैं। ये बंदर घुड़की जो है कब तक नहीं चलेगी। लेकिन ये भी समझ लेना चाहिए पाकिस्तान को कि आज भारत हर क्षेत्र में सक्षम है। धीरे धीरे जो पहली कहानी थी वो पिछले 5 साल के अंदर हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने और पुरानी सरकार ने, जो अभी नई सरकार पूरे प्रचंड बहुमत से आई है, इस सरकार ने जो इंडियनाइजेशन प्रोग्राम्स बनाए हैं डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए, आप कोई चीज ले लीजिए किसी, लेकिन सर सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं कर्नल साहब। यहाँ इसलिए मैं पूछना चाहूंगी, सरकार पर भी, बीजेपी की सरकार पर भी आरोप लगते हैं कि हमने किया एयर स्ट्राइक, हमने किया सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद क्या हुआ, क्या आतंकवाद की कमर टूटी? ये लगातार ये सवाल उठ रहे हैं सर कि उसके बाद और ज्यादा पाकिस्तान जो है बौखला गया है, और अभी भी जैश के 3 से 4 आतंकवादी घुसे हुए हैं, बीएसएफ के जवान ने घुसपैठिए को पकड़ा है, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर घुसपैठिए पकड़े गए, लगातार सीज फायर किया जा रहा है, लगातार घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसका मतलब तो यही है ना सर कि पाकिस्तान कहीं से भी पीछे नहीं हट रहा, हमारी एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो उसके बावजूद। देखिए बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, इस वक्त पाकिस्तान के पास में कुल $2 बिलियन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो कि अपना इंटरेस्ट भी पेमेंट नहीं कर सकता। और आतंकवाद जब से ये पाकिस्तान बना है उस समय से इसने आतंकवाद का यानी गढ़ बना के रखा हुआ है। उसके बाद सवाल मेरा ये है कि सरकार कहाँ स्टेप ले पा रही है, सरकार देखिए सरकार कहाँ स्टेप ले पा रही है। सरकार जो है, हम तो सबसे पहले ये कहेंगे नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे विश्व में, पहले लोग जो है भारत का साथ नहीं देते थे आतंकवाद के ऊपर, आज पूरे विश्व के जितने पर भी बड़े नेता हैं सारे नेता जो है नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ में, भारत के साथ में है। उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर भी पाकिस्तान का नाम न लेते हुए भी इतने स्पष्ट शब्दों में सबको कहा कि इसको, आतंकवाद को विश्व से खत्म करने के लिए एकजुट होने की अभी अभी समय आ चुका है। भारत कूटनीतिक तौर पर, वैश्विक तौर पर पूरे विश्व को बता रहा है अभी वो समय आ चुका है एकदम एक्शन लेने की। आप समझ रहे हो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए और माली सींचे सौगड़ा रुताए फल, फल आने वाला है और कब आएगा उसका समय हमने निश्चित करना है, और वो समय ना पाकिस्तान के हाथ में नहीं, हमने निश्चित करना है। मेरा सवाल यही है, मेरा वो सवाल यहां पे करना था, और मैं यहां पे कहूंगा कि पहले नो फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज, ये बात कही है, ये बात कही है, ये हमारे, ये अभी भी भारत इस पर है, नो फर्स्ट यूज ये कह दिया है कि अब हमें इसको रिव्यू करने की आवश्यकता है और रिव्यू हो चुका है। कहने का मतलब यह है कि एक गाल पे थप्पड़ जो कल हमारे महात्मा गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता जी ने कहा था एक गाल पे थप्पड़ मारो दूसरा भी करेंगे, अभी वो एक गाल पे थप्पड़ मारेंगे उसका हाथ भी काट करके उसके हाथ में दे देंगे, वो समय आ गया है। इसलिए पाकिस्तान जितना बौखला रहा है वो अपनी झुटमुट घटनाएं करता रहेगा, कब तक करेगा वो समय आ चुका है कि हम उसको निरस्त करें बहुत जल्दी। सर खबर एक अपडेट कर दूं कि पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी जो है वो लग रही है, आशंका यह है कि तख्ता पलट हो सकता है, 111 बटालियन की फोर्स जो है वो तैनात है और खबर मिल रही है कि तख्ता पलट हो सकता है। जिस तरह से आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में इमरान खान जो है वो खुद ये कबूल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमें जो देश है वो हमारे साथ नहीं आए, और फेल्योर वो खुद कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि ये पाकिस्तान की फेल्योर थी कि वो नहीं घेर पाए भारत को आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर, और भारत जो है पूरी मजबूती से अपनी बात रखता रहा अंतरराष्ट्रीय मंच पे कि ये हमारा आंतरिक मामला है, हमने कोई डिसीजन लिया है तो ये हमारा आंतरिक मुद्दा है। अब खबर आ रही है इस वक्त की कि 111 बटालियन जो है वो तैनात है और तख्ता पलट की आशंका है पाकिस्तान में। हमारे वरिष्ठ सहयोगी धर्मेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है, क्या तख्ता पलट की आशंका है और 111 बटालियन तैनात है? धर्मेंद्र, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी क्या अपडेट मिल रहा है, क्या तख्ता पलट की आशंका है, 111 बटालियन बताए जा रहे हैं कि तैयार है? जी, पाकिस्तान में अब तक दो बार तख्ता पलट हुआ है, दोनों बार पाकिस्तानी आर्मी की 111 जो बटालियन है उसकी अहम भूमिका रही थी तख्ता पलट में, जो कि जो वहाँ के राष्ट्रपति होते थे जिसे जनरल परवेज मुशर्रफ के समय भी
ये देखा गया था कि इनकी छुट्टियां रद्द की दी कर दी गई थी और ये राष्ट्रपति के जो सबसे करीब होते थे उनके उनके उनकी करीबी बटालियन मानी जाती रही है। और आज ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान में इस ब्रिगेड की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और जैसा कि जो हालात है पाकिस्तान के जो कि आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, पीओके का आप हालात देख लीजिए, बल्तिस्तान का, गिलगित का हाल देख लीजिए, कराची में जो इमरान खान ने जो चाल चली थी वो भी उभर कर सामने आई थी। तो ऐसे हालात में पूरे पाकिस्तान के विपक्षी दल और वहां की जनता इमरान खान के शासन से तंग आ चुकी थी और इस ऐसे में जैसे ही इसकी छुट्टी रद्द कर दी गई है चारों तरफ आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि कभी भी इमरान खान का तख्ता पलट हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। जेपी सर रिएक्शन चाहूंगी कि तख्ता पलट हो सकता है और आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत भी कर रहे हैं, क्या लगता है कि अब आर्मी को लग गया है कि होने वाला कुछ नहीं है, सरकार से अब अपने हाथ में कमान लेनी होगी? मैं कह चुका हूं पहले, मैं कह चुका हूं कि ये जो पाकिस्तान की सरकार होती है वो सिर्फ नाम के लिए होती है, हुकूमत तो पाकिस्तान आर्मी की चलती है, ISI की चलती है, वहाँ पर कट्टरपंथियों की हुकूमत चलती है, मसूद जैसे आतंकियों की हुकूमत चलती है। आपने खुद ही क्लिपिंग दिखाया था जिसमें किस तरह से वो जहर उगल रहे हैं, तो वो किसी भी जो सभ्य सरकार है, कोई भी चुनिंदा सरकार है किसी भी देश की, इस तरह से जो है बयानबाजी नहीं हो सकती। किसी देश के प्रति जहर उगलना और अपने देश के अंदर ही तरह तरह की जो है वहाँ पर घटनाएं होना और जहर जहर का डंक, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे अफगानिस्तान हो, जिस तरह का जहर ये पाकिस्तान ने बोया है तो उस तरह से ये संभव है। हो सकता है कि जिस तरह से आर्मी प्लान कर रही है तख्ता पलट की, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी कई बार हो चुका है, तो तख्ता पलट जो संभव है। लेकिन यहाँ मैं आपके मन से कहना चाहूँगा, होने दो तख्ता पलट, कुछ भी हो वहाँ पर, लेकिन भारत पूरी तरह से सक्षम है, हमारी तीनों सेनाएं पूरी तरह से सक्षम है, आने दो पाकिस्तान आर्मी को, पलटने दो तख्ता, हम तैयार हैं, हर तरीके से तैयार हैं हम। गोपाल सर रिएक्शन यहाँ पर ये भी देखिए कि वहाँ के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है जनरल बाजवा, जनरल बाजवा रिटायर होने वाले थे और उनको 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया, क्यों? क्योंकि उन्होंने ही, आर्मी ने ही इमरान खान को तख्ता पलट के बाद सर क्या तो हो सकता अभी है? तख्ता ये, पलट ये, के बाद में क्या होगा? हो भी जाता है तो क्या होता है? हो सकता तख्ता पलट होता है, ये पहले भी हुआ है कई बार, दो तीन बार हो चुका है। अब ये यदि तख्ता पलट हो, तख्ता पलट का मतलब क्या? अभी जनरल जेपी साहब ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि वो तो पपिट सरकार है, यानी वो जो है डिफेंस के हाथों में खेली हुई, उनकी हुई बनाई हुई सरकार है, और 3 साल का एक्सटेंशन भी इसीलिए दिया गया था कि वो फिर उसी तरीके से रहे, लेकिन फिर भी उनके यानी इमरान के दिमाग में बात नहीं बैठ रही, तो वो तख्ता पलट करके बाजवा बैठेंगे वहाँ पर जी। और उससे हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम जो हमारा है स्टैंड क्लियर हर है। तरीके से नभ में, थल में और जल में हर तरीके से हम सक्षम हैं और कूटनीतिक तौर पर पूरे विश्व को बता चुके हैं, इसलिए किसी तरह। पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ समीर चौगांवकर जुड़ चुके हैं। समीर जी आपका रिएक्शन चाहूंगी कि आखिर ये तख्ता पलट की बात आ रही है सामने, तो सबको पता है कि पाकिस्तान में आर्मी का हस्तक्षेप होता ही होता है, लेकिन क्या लगता है इमरान खान फेल्योर हो गए हैं तभी ये बात सामने आ रही है, और हो क्या जाएगा तख्ता पलट से? देखिए तख्ता पलट की जब बात चल रही, तो मैं आपको पहले बता दूं कि जब भारत से टूटकर जब पाकिस्तान बना था तो भले ही डेमोक्रेटिक वहाँ से चुनाव हुए, लेकिन पाकिस्तान हमेशा सेना मजबूत रही है और सेना का प्रभाव हमेशा सरकार के ऊपर ज़्यादा रहा है। ये कह सकते हैं कि वहाँ पे सरकार कठपुतली रहती है और सारा निर्णय वहाँ पर सेना रहती है। आप देख सकते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो के समय भी जियाउल्लाह ने तख्ता पलट किया था, उसके बाद परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार को तख्ता पलट करके सत्ता हथियाई थी, तो वहाँ पर सेना बहुत प्रमुख भूमिका में रहती है। मुझे लग रहा है जिस हालात में पाकिस्तान की स्थिति पहुँच चुकी है, इसे खाली इमरान खान का फेल्यूर नहीं कह सकते हैं, इसके पहले की सरकारें लगातार फेल होती रही है, और मुझे लग रहा है जिस भूखमरी की कंगार पे वहाँ पहुँच चुका है और लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर आंतरिक हालात खराब होते जा रहे हैं, मुझे लग रहा है यह होना था और वह दिन निकट आ गया है कि अब जल्द ही वहाँ इमरान खान का तख्ता पलट होगा। समीर जी आज हम बात कर रहे हैं विकास वर्सेज विनाश की, कि जिस तरह से भारत जो है लगातार विकास की बात करता आया है, हम कहीं भी देख ले, हम अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात कर ले, हम देश के भीतर बात कर ले, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह विकास की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, वैश्विक भाईचारे की बात करते हैं, और पाकिस्तान जो है वो लगातार आतंक आतंक आतंकवाद यही बात करता आया है। क्यों विकास की बात नहीं करता पाकिस्तान, क्यों सबक नहीं ले रहा है हिंदुस्तान से? ये तमाम जो सवाल है वो पाकिस्तान से आज इसलिए उठ रहे हैं कि लगातार गतिविधि जो है आतंकवादियों की वो पाकिस्तान अभी भी जारी रख रहा है। आज खुद ये खबर आई है कि दिल्ली हाई अलर्ट पर है, जैश के 3 से 4 आतंकवादी जिनकी जानकारी मिली है, इनपुट्स मिले हैं, जिनके लिए छापेमार कार्रवाई चल रही है दिल्ली में। तो आखिरकार कब सुधरेगा? क्या अब वक्त आ चुका है इसे सुधारना जरूरी है? समीर जी, बिल्कुल वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को सुधारना जरूरी है। और आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो आर्थिक हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, विदेशों से पैसा ले लेके उसने अपने देश में विकास करने के बजाय पूरे आतंकवाद जम्मू और कश्मीर के अंदर आतंकवाद को भेजने में, भारत की स्थिति ख़राब करने के लिए और आतंकवाद को पनाह देने में किया। पाकिस्तान खुद आतंकवादियों का पनाह स्थल बना और सारा पैसा उसने आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में, भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने में किया। और आज पाकिस्तान की जो दुर्दशा है वो इसी के कारण है। और वक्त आ गया है कि धारा 370 खत्म होने के बाद अब पीओके पे स्थिति है और जल्दी ही भारत पीओके पे कब्जा कर लेगा। लेकिन धारा 370 खत्म होने के बाद पाकिस्तान तो चुप नहीं है। धारा 370 खत्म किया और हमने ये कहा कि जम्मू कश्मीर जो एक अलग था भारत से, वो धारा 370 खत्म होने के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी विकास की बहार जो है वो बहेगी और लगातार कोशिश की जा रही है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास हो। कश्मीरी पंडित भी हमारे साथ, रोहित कचारू इस वक्त काचरू जो है वो जुड़े हुए हैं। रोहित जी, क्विक रिएक्शन आपसे चाहूंगी कि क्या लगता है, जिस तरह से बार बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर विकास की बात कही जा रही है, लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में विकास हो। वो तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर यही बता रहा है कि 370 खत्म होने के बाद वहां के लोग जो है बहुत दबे कुचले हैं, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है, उन्हें नजरबंद करके रखा जा रहा है, उन पर जो भारत सरकार है वो काफी अत्याचार कर रही है। योर रिएक्शन। श्वेता, सबसे पहले मैं तख्ता पलट की आपने बात की तो बहुत ही संक्षिप्त में ये कहना चाहूंगा कि तख्ता पलट तब होता है जब तख्ते पे कोई बैठा हो। पाकिस्तान में कभी भी तख्ती पे कभी भी कोई डेमोक्रेटिक लीडर बैठा ही नहीं, हमेशा से वहां पे आर्मी और आईएसआई का राज रहा, तो तख्ता पलट तो कभी हुआ ही नहीं। और भारत ने जब भी पाकिस्तान के हवाले से तैयारी किया है तो पाकिस्तान की आर्मी को ध्यान में रख के वो तैयारी की है, तो मैं तो इसको तख्ता पलट नहीं मानता। ये आम बात है पाकिस्तान में और हम भी पिछले 70-72 सालों में ये चीज देख चुके हैं, तो ये तख्ता पलट से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी सारी तैयारियां इस बात को ध्यान में रख के की गई है कि वहां की आर्मी और आईएसआई कैसे फंक्शन करती है। और दूसरी चीज, आपको एक चीज तो मानना पड़ेगा श्वेता कि पाकिस्तान और भारत दोनों ही आईटी के चैंपियन है। भारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चैंपियन है तो पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिज्म का चैंपियन है जी। भारत अगर सोच कर बैठे हैं रोहित जी, यानी बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग की बात करता है तो पाकिस्तान बीएम, जो भीख पाकिस्तान के लिए बीएम भीख मांगना, श्वेता थोड़ा एको आ रहा है, वो एको आप ठीक करवा दीजिए जी, जी। तो पाकिस्तान के लिए बीएम का मतलब है भीख मांगना जी। तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान का सिर्फ नजरिया क्या है। पहले पाकिस्तान धमकी देता था और किया भी, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार 1990 में करवाया, और आज पाकिस्तान क्या कर रहा है? आज पाकिस्तान को पता है कि जम्मू कश्मीर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो पूरे विश्व को धमकी दे रहा है मास जेनोसाइड की, बोल रहा है कि हम न्यूक्लियर वॉर छेड़ेंगे, और एक न्यूक्लियर वॉर का मतलब है कि लगभग 10 करोड़ आदमियों का मर जाना, 10 करोड़ बच्चों बुजुर्गों का मर जाना, तो पूरी दुनिया को जो ब्लैकमेल करे वो पाकिस्तान है। और इस चीज को अगर आगे चलते हुए पाकिस्तान को लगता है कि अब हमको इमरान खान की जगह कोई और जनरल चाहिए, तो पाकिस्तान को खुला न्योता है और निमंत्रण है, आप कीजिए क्या करना है। भारत में एक सशक्त सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के अंदर अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये सब चीजें और ये सब चीजों को कैसे ठीक करना है इसकी ठान ली है, और हर भारतीय आज अपनी सरकार के साथ खड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। और जहां तक कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, 30 दिन 32 दिन 40 दिन 2 महीना 3 महीना इंटरनेट नहीं होता है तो पूरे विश्व में हाहाकार मचाने की कोशिश करता है पाकिस्तान, जबकि पिछले 30 सालों से कश्मीरी पंडितों के पास ना घर है ना अपनी जमीन जायदाद, सब वहां पे छोड़ के आ गए हैं। तो पाकिस्तान तो अगर सेक्युलरिज्म की बात करता है तो आज पाकिस्तान के यहां बिल
जो रिजेक्ट हुआ है उसमें उस बिल में लिखा गया है कि पाकिस्तान में कोई भी नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, तो किस हक से पाकिस्तान हमको या जम्मू कश्मीर के लोगों को, या मैं कश्मीरी हूं जी, समझ में तो ये नहीं आता है रोहित की बात ही क्यों करता है कश्मीर की पाकिस्तान को भारत के साथ नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान पे कश्मीर का कोई ना हक था, ना कभी है, ना रहेगा। कश्मीर की सभ्यता 5000 साल पुरानी है। इस्लाम धर्म तो पाकिस्तान, ये जम्मू कश्मीर में सिर्फ 700 साल पहले आया। मतलब तो किस हक से पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है? सुधरने वाली स्थिति में नहीं है पाकिस्तान, ना सुधरना चाहता है, ना चाहता है कि विकास की राह पर चले। उसके पास आतंक के अलावा बोलने को कुछ भी नहीं है, इसीलिए पूरी दुनिया के सामने आतंक और आतंकवाद का मुद्दा ही उठाता आया है। और ये अब पाकिस्तान की हकीकत बन गई है कि शायद कुछ सालों बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच उसे बहुत ही हल्के तरीके से लेने लगा है। विकास वर्सेस विनाश। जी हाँ, आज हम बात करें भारत और पाकिस्तान की, क्योंकि साइंस एंड एडवांस जर्नल में एक रिसर्च जो छपी है उसमें ये कहा गया है कि 2025 तक भारत और पाकिस्तान जो है उनमें युद्ध होने की संभावना है। अब संभावना क्यों है ये समझिए कि जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो काफी लंबे अरसे से चला रहा है, लेकिन आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद जिस तरह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ और लगातार युद्ध की धमकियां दे रहा है, दोनों जो देश हैं उनके पास परमाणु हथियार हैं और ऐसे में युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। खबर यह भी आ रही है कि तख्ता पलट की आशंका है पाकिस्तान में, यह भी हमने आपको बताया। तो लगातार भारत सरकार की तरफ से कोशिश यही है कि हम तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आतंकिस्तान से हम बातचीत नहीं करेंगे। और एक टुक दो टुक संदेश कह सकते हैं कि भारत सरकार ने दे दिया है कि अब अगर आतंकवाद को बढ़ावा देता है पाकिस्तान तो हम सक्षम हैं और हम चुप नहीं बैठेंगे। हमने देखा है स्ट्राइक भी देखा, सर्जिकल स्ट्राइक भी देखा, कई डिसीजन जो है हार्ड डिसीजन वो लिए गए, लेकिन अब क्या वक्त आ चुका है पाकिस्तान को सुधारना अब जरूरी हो गया है। क्या स्टेप्स होने चाहिए कि पाकिस्तान को अब खरी खरी सुनाई जा सके और लगाम लगाया जा सके कि अब आतंकवाद को बढ़ावा ना दे। समीर जी, सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से सरकार की तरफ से एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की गई, लेकिन उसके बाद भी कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि आतंकवाद खत्म कहाँ हुआ, आतंकवाद की कमर तोड़ दी, ये बात कहती है सरकार, अपनी पीठ खुद थपथपाती है, लेकिन आतंकवाद कहाँ कम हुआ? आप घुसपैठ भी कर लेते हो, जैश के आतंकी 3 से 4 घूम रहे हैं दिल्ली में, छापेमार कार्रवाई चल रही है, इनपुट्स मिल जाते हैं, उसके बाद ये घुसपैठ भी हो जा रही है, पूरे बॉर्डर इलाके को आपने सील कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घुसपैठ होती है, बड़ी आतंकी हमले की साजिश जो है पाकिस्तान रच सकता है, अमेरिका की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, तो आखिरकार आतंकवाद की कमर कहां टूटी? देखिए, सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक से आतंकवाद की कमर कभी नहीं टूट सकती। आप इतिहास में भी देखेंगे तो भारत ने इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते बांग्लादेश को अलग किया था, उसके बाद भी पाकिस्तान ने भारत से हर मामले पे मुखी खाई है। कारगिल वॉर में वो भारत से पिटाए, लेकिन उसने आतंकवाद का साथ देना कभी नहीं छोड़ा और हमेशा उसकी कोशिश रहती है कि भारत के अंदर आतंकवादी को भेजो और भारत को आतंकवाद में उलझा के रखो, जिससे भारत विकास नहीं कर सके और भारत की स्थिति भी पाकिस्तान जैसी बनी रहे। मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान के अंदर अब जमीन आसमान का फर्क है, भारत बहुत आगे बढ़ चुका है और हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के इस गतिविधि के पीछे चाइना का भी एक बड़ा योगदान है। मुझे लगता है कि चाइना भी पाकिस्तान को भड़काने का काम करता है। पाकिस्तान जो आतंकवादी भेज रहा है और जो पाकिस्तान जरूरत कर रहा है भारत को आंखें दिखाने की, मुझे लग रहा है उसके पीछे चाइना की बड़ी भूमिका है। जवाब इंडिया क्यों नहीं देता सर? जी, चाइना को जवाब इंडिया क्यों नहीं देता? आखिर ये भारत सरकार भी जानती है कि चाइना कहीं ना कहीं बिल्कुल पीछे, मुझे लग रहा है इंटरनेशनल लेवल पे चाइना को जवाब मिला है, इसी कारण यूनाइटेड नेशन में चाइना ने पाकिस्तान का साथ देने से मना कर दिया था और चाइना भी इस बात को समझता है कि भारत एक बहुत बड़ा व्यापार का मार्केट है चाइना के प्रोडक्ट के लिए, तो चाइना इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि सीधे से भारत से वह लड़ सके, इसलिए वह पाकिस्तान की आड़ में पाकिस्तान को उकसाकर भारत का नुकसान करना चाहता है। जिससे जिस तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है तो आने वाले दिनों में भारत विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनेगी, वही चाइना के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब है। लेकिन हमारे भीतर समीर जी, जिस तरह से देखे कि बीजेपी लगातार इस बात की पीठ थपथपाती, खुद की भी है, सरकार बार बार कहती है कि हमने सेना को बल दिया और सर्जिकल स्ट्राइक या हमने हाथ खोले सेना के, हालांकि हाथ खोले बीजेपी ने, लेकिन आपने जिक्र किया कि 1965 हो, 71 का वार हो, उन सब का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह भी इतनी ज्यादा हो जाती है, बार बार आप अपने मुंह मियां मिट्ठू बनेंगे तो आखिरकार तो सवाल उठेगा कि केवल आपकी सरकार ही ये काम नहीं कर रही है, ये होता आया है, पहले भी हुआ है।
बिल्कुल पहले भी हुआ है, लेकिन इस आपकी सरकार जो है आप देख सकते हैं कि 10 साल पहले जो मनमोहन की सरकार थी उस समय जिस तरीके से विदेश नीति से और पाकिस्तान के साथ ट्रीट किया जाता, और मोदी की सरकार 2014 में आने के बाद जिस हिसाब से विदेश नीति में परिवर्तन हुआ है और खासतौर से पाकिस्तान के रुख को लेकर जिस हिसाब से सरकार रुख में परिवर्तन आया है और आर्टिकल 370 के बाद, मुझे लग रहा है कि मोदी जैसे नेता आने के बाद बहुत स्पष्ट संदेश है पाकिस्तान के लिए कि अब केंद्र में एक बहुत मजबूत इरादों वाली सरकार है। लेकिन उसके बावजूद सर इतनी ज्यादा, ये भी तो हो सकता है कि आप क्योंकि ज्यादा कठोर हो रहे हैं, शायद यही वजह है कि उधर से भी ज्यादा आतंकवादी गतिविधियां तो रुकी नहीं है। कठोर हो नहीं हो, पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, उसे इसी कठोरता से ही सिखाया जाता है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भारत सरकार और बहुत कठोर स्टेप लेगी पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे वह खाली हथियारों के दम पे नहीं, आर्थिक स्तर पे भी मुझे लगता है सरकार काफी पाकिस्तान को घेरेगी और पाकिस्तान की कमर टूटेगी। देखिए श्वेता जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्यों आज पाकिस्तान को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा अगर हम इतिहास के पन्नों में जिक्र करेंगे तो अगर हमने अपनी सेना को जब पूरा जम्मू कश्मीर खाली करवा लिया था उसको हमने पीछे ना किया होता तो आज पीओके का मुद्दा नहीं होता और ना 370 और जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा विवाद होता। दूसरी चीज, जब आपके पास मुंबई में हमला होता है और मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि प्रधानमंत्री मीटिंग में कहते हैं कि भाई मैडम कह रही हैं कि अगर हम हमला करेंगे तो उसके पास परमाणु बम है, कहां थे परमाणु बम जो हमने दो दो सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाई? क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। आपने क्यों आर्मी को खुले हाथ नहीं दिया? ऐसे दर्जनों केस थे जहां आर्मी ऑफिसर्स को अपनी जान बचाने के लिए अगर किसी टेररिस्ट को मारना पड़ा तो उनके ऊपर कोर्ट मार्शल कर दिया गया कि एक आपने आम कश्मीरी को मारा है। आपने क्यों समय आर्मी का पक्ष नहीं लिया? क्यों आपने उनके हाथ नहीं खोले? क्यों आपने उनको इतनी मजबूती नहीं दी? दूसरी चीज, अब देखिए कहां गलतियां की। आपने बांग्लादेश स्वतंत्र करवाया, आपने लगभग 96,000 के आसपास पाकिस्तान के सैनिक छोड़े, आपने क्यों बात नहीं की कि पीओके और कश्मीर खाली करिए, इसके बाद हम आपके 96,000 सैनिक देंगे? क्योंकि आप चाहते थे कि तुष्टिकरण की राजनीति के लिए आपको एक मुद्दा मिलता रहे। राजनीतिक पार्टियों ने जानबूझ के इन मुद्दों को पाला और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति की वजह से कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी अहमदाबाद, कभी बेंगलोर आम आदमियों के चीथड़े उड़े हैं, लेकिन इन राजनीतिक पार्टियों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। पूछो कश्मीरी पंडितों से कितनी बुरी तरीके से उन्हें निकाला गया था, बहू बेटियां बहनें छीन ली गई थी, लेकिन इन राजनीतिक पार्टियों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मोदी जी ने, सबके हालात कुछ और थे। क्या हालात कुछ और है? क्या हालात थे? आज जब 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 इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं सर, तो हर पहलू को देखा जाता है कि आपकी इच्छा शक्ति पर सब कुछ निर्भर केवल नहीं करता। बांग्लादेश को आप स्वतंत्र करवा सकते हो, आप क्यों पीओके को स्वतंत्र नहीं करवा सकते हो? कौन सी इच्छा शक्ति कहां थी आपकी? सिर्फ तुष्टिकरण का डर था और कोई डर नहीं था। दूसरी चीज, मैं बहुत आप सहमत हैं समीर जी, आप सहमत हैं? मुझे लग रहा है कि मतलब सरकार हम, के पास हमने हमसे मांगा गया, हमसे मांगी गई मदद, हम बांग्लादेश को मुक्त करा सकते हैं तो हम पीओके को मुक्त क्यों नहीं करा सकते, ये कहना है संदीप जी का, तो क्या सीधे सीधे वॉर डिक्लेयर कर दें? नहीं, ये बिल्कुल भी लगता है ये बहुत संभव नहीं होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो। पाकिस्तान पे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वॉर करवाएंगे संदीप जी? नहीं, देखिए क्या वॉर नहीं था? आपने बांग्लादेश को खाली करवाया था, क्या वॉर नहीं था? क्या आपने जब जम्मू कश्मीर खाली करवाया था, क्या वॉर नहीं था? आप कहिए कि कहीं ना कहीं तुष्टिकरण की राजनीति की वजह से आप ये मुद्दे पालना चाह रहे थे और केवल पाकिस्तान नहीं बल्कि कुछ अंतरराष्ट्रीय शक्तियां थी जिनके सहारों पर दल काम कर रहे थे। अब अंतरराष्ट्रीय शक्तियां भी हो गई इसमें। देखिए मैं बहुत शॉर्टकट में खत्म, मैं एक मिनट और लूंगा। दूसरी चीज, क्या फर्क पड़ा 2014 के बाद कि आज आपके पूरे देश में, अगर दक्षिणी कश्मीर को छोड़ दो, पूरे देश में एक भी टेररिज्म की घटना नहीं है, एक भी आम इंसान की मृत्यु नहीं होती, वो भी उस हालत में जब आप पाकिस्तान की दुखती रक्स पे चैलेंज करके हाथ रख देते हो, 370 हटा देते हो, लेकिन तब भी सिर्फ अफवाह आती है कि टेररिस्ट घुसे हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको तब पता चले जब सैकड़ों लोग मुंबई में मर जाए, फिर आप आके कहोगे समुद्र के पकड़े भी गए हैं सर, अभी दिल्ली में खोजे जा रहे हैं कि कहां है, दिल्ली तक पहुंच जा रहे हैं, देश की राजधानी है। ये वही स्लीपर सेल है जिनको कहीं ना कहीं नासूर की तरह कांग्रेस की सरकार में पाला गया। ये देखिए आज कांग्रेस का लीडर नहीं बैठा तो आरोप लगा रहे हैं कि स्लीपर सेल कांग्रेस ने पाले हैं। इतना बड़ा आरोप आप कैसे लगा सकते हैं? किसने पाला था? किसने फंडिंग दी थी अलगाववादियों को? किसने फंडिंग करवाई थी अलगाववादियों को? फंडिंग की बात है, एनआईए चार्ज शीट दाखिल कर रही है। क्यों आपने जो टेररिस्ट फंडिंग आ रही थी उस पर लगाम नहीं लगाई थी? क्यों आपने बैंकों के ऊपर लगाम नहीं लगाई थी? लेकिन आप टेररिस्ट फंडिंग को बढ़ावा दे रहे थे। आप कह रहे हैं, आप नेशनल टेलीविजन पे कह रहे हैं कि स्लीपर सेल्स को कांग्रेस जो है वो पाल के रखी हुई है। समीर जी, टेररिस्ट फंडिंग को किसने बढ़ाया? क्या भाई बताइए, आपने क्यों कलर के इस लेवल पे होना चाहिए? समीर जी, आप मैसेज क्या देते हैं? आप ये बात कह रहे हैं एक नेशनल टेलीविजन पे बैठकर कि कांग्रेस ने ही पाल रखा है स्लीपर सेल को, तो यानी कि वो फायदा पूरा देश चल रहा है खुलेआम, वो कहीं ना कहीं देश पर काम करते हैं। आतंकवादी हमले कांग्रेस करवाती है,
कहीं ना कहीं देखिए मैं फिर कहूंगा कि तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में जिस तरीके से कांग्रेस ने जिन लोगों को बढ़ावा दिया उसी का देन है ये ना। मैं इस बात से सहमत हूँ कि पहले की सरकार जो मनमोहन सिंह की सरकार रही है या कांग्रेस की सरकार रही है उसमें इच्छा शक्ति का अभाव जरूर आया है। अगर कांग्रेस की सरकार चाहती तो वह भी आर्टिकल 370 समाप्त कर सकती थी। मुझे लग रहा है कि अब राष्ट्रवादी सरकार है, मोदी के आने के बाद काफी फर्क पड़ा है और अब पाकिस्तान को इस तरह की जरूरत नहीं करेगा। हाँ, लेकिन यह भी सही है कि भारत सरकार किसी भी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि भारत सरकार को मालूम है कि अगर हम हमला करते हैं तो उसका खामियाजा पाकिस्तान की तुलना में हमें ज्यादा भुगतना पड़ेगा। रोहित जी, क्या लगता है? अब तो संदीप जी जो हैं वो खुले तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों पर जो ये इतना अत्याचार हुआ उस समय कांग्रेस की सरकार जो थी कुछ नहीं बोली और कांग्रेस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। अब सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं, इतनी बड़ी बात संदीप जी कह गए। हालांकि आज कोई कांग्रेस का लीडर बैठा नहीं है, वरना नेशनल टेलीविजन पर कह रहे हैं कि कांग्रेस ने स्लीपर सेल को जो है वो पाल कर रखा है। तो ये बहुत बड़ा आरोप संदीप जी यहां से लगा रहे हैं, आप क्या कहेंगे रोहित जी? देखिए मैं एक बात इस जरा पूरे डिबेट को एक दिशा देना चाहूंगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा और आप ध्यान से सब पैनलिस्ट मेरी बात सुने। अगर आपके पास एक बहुत अच्छा जूता है और मान लीजिए सड़क बहुत खराब है तो आप उस सड़क पे चल सकते हैं, मगर अगर कंकड़ों से भरी हुई सड़क से एक भी कंकड़ आपके अच्छे जूते में आ जाए तो क्या आप एक कदम भी चल पाएंगे? तो कहने का मतलब यह है कि भारतवर्ष को आज बाहर की चुनौतियों से नहीं अंदर की चुनौतियों से ज्यादा खतरा है। संदीप जी सुन रहे हैं। और अगर आप इमरान खान की यूनाइटेड नेशंस में स्पीच सुने, आप उसको मोदी जी से कंपेयर कीजिए। मोदी जी ने बात की स्वच्छता की, क्लाइमेट चेंज की, डेवलपमेंट की, इमरान खान किसकी बात कर रहे थे? आरएसएस, क्या लेना देना है आरएसएस के साथ? उनको क्या पता है उनको आरएसएस के बारे में? टेरर और हिंदुत्व, ये सब बातें कौन इस देश में कौन करता है? कौन सी अपोजिशन पार्टीज ये राग अलापती है सुबह से लेके शाम तक? पाकिस्तान को कौन ट्यूटर कर रहा है, कौन सिखा रहा है ये चीजें? आज अगर आप पाकिस्तान के अखबार उठा के देखेंगे तो भारत में बैठे हुए कौन पत्रकार हैं जो वहां पे लेख लिख रहे हैं इन भारतवर्ष के खिलाफ? तो कहने का मतलब तो रोहित, सवाल तो ये भी उठता है ना कि अपोजिशन जो बोल रही है या सरकार ये मौका दे रही है अपोजिशन को कि उन मुद्दों को ना उठाकर जिन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, शिक्षा हो, विकास हो, रोजगार हो, इन मुद्दों पर बातचीत ना होके विपक्ष अब इन मुद्दों को उठा रहा है तो ये मौका कौन दे रहा है? फेलियोर किसका है? सरकार ये मौका दे क्यों रही है विपक्ष को? और उसके बाद इतनी बड़ी बात कि कांग्रेस ने स्लीपर सेल पाल कर रखे? देखिए मैं बात कर रहे संदीप जी, इस बात से तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मैं आपको 2009 में ले जाता हूँ, आप अभी की बात छोड़ दीजिए, 2009 में ले जाता हूँ आपको। 2009 में तो यही ऑपोजिशन जब पावर में थी तो हर हिंदू को टेररिस्ट बता रही थी, बोल रही थी कि हिंदुत्व टेरर है, सैफरन टेरर है। तो ये कोई नई बात नहीं कर रही ऑपोजिशन की, सरकार ने कोई उनको अपॉर्चुनिटी दे दी कि हाँ अभी आप ये बातें कीजिए, कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है भारतवर्ष में। सब अच्छे तरीके से रह रहे हैं, सब अच्छे तरीके से अपने त्योहार मना रहे हैं, खुशियों से रह रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद आज के पहले भी रहते थे, कितनी खुशी की लहर है। श्वेता जी, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश स्वतंत्र करवाया था सबसे पहले बधाई देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। आज वही कांग्रेस जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो उन सैनिकों पर उंगली उठाती है जो अपनी जान पे खेल के आते हैं, ये राजनीति करेंगे। और इनकी ट्वीट्स, इनके बयान, लेकिन बड़प्पन किसे कहते हैं? यूएन में बड़प्पन किसे कहते हैं? अगर आप एक पद पर हैं तो आपको दिखाना होगा, एक लाइन अगर आपके पास लंबी खींची हुई है उसके सामने अगर आपको बड़ी करनी है रेखा तो उसे मिटा कर नहीं करना होगा, एक बड़ी रेखा और खींचनी पड़ेगी। तो यहाँ प्रधानमंत्री का या फिर बीजेपी का पूरा रोल नहीं बनता, एक से एक बयानबाजी सर विपक्ष को लेकर जिस तरीके से देते हैं, क्या जरूरत भी है देने की? गोपाल सर कुछ एड ऑन करना चाह रहे थे। मैं तो ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे भारत के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं, किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन उनकी वजह से यदि वो एक छोटा सा भी ट्वीट करते हैं या बोलते हैं वो हेडलाइन बन जाता है पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि वो सह दे रहे हैं पाकिस्तान को, पहले से देते आए हैं, अभी भी दे रहे हैं, और शायद हो सकता है यदि वो नहीं सुधरेंगे तो आगे भी देंगे। इससे बहुत बड़ा फर्क हमारे भारत के ऊपर पड़ रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनकी जो नीयत है, उनकी नियति है, उसके ऊपर भी बहुत खोट से दुनिया देख रही है। और इसी वजह से वो आज यानी कटोरा लेकर के दुनिया से भीख मांग रहे हैं कि हमारे बचाओ। यदि तुष्टीकरण की राजनीति की बात संदीप जी कर रहे हैं, मैं उससे सहमत हूँ,
लेकिन उसके साथ में जो अभी तक हुआ है, यदि मैं 1947 की भी बात करूं कि भारत को डिवाइड किया गया, बांटा गया, तो एक ही परिवार के तीन आदमियों ने उसको ले लिया, यदि उनको पूरा परिवार का आप ढांचा दे, और उसके बाद में ईस्ट पाकिस्तान नहीं संभला, वहां से लोगों को भेजना शुरू किया। उसके बाद हमारे फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी जी से कहा था कि यदि आप लड़ाई जीतना चाहती हैं या हारना चाहती हैं, तो माना गया था। मैं हार जीतना चाहती हूं, एक सेकंड, जीतना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि मेरी बात नहीं आप नहीं सुन पाएंगी, और उन्होंने कहा ये मेरा रेजिग्नेशन है, लीजिए। और उसके बाद में उन्होंने कहा मुझे 5 या 6 महीने का टाइम चाहिए, क्योंकि सेनाओं को भी तैयार नहीं किया गया। आज हम इतने संतुष्ट हैं कि 99% काम जो है भारतीय जो हमारी आज की क्या नाम है सरकार है, उसने यानी नब्स हमारी यानी एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, उसको जो है मॉडर्नाइज करके करने के लिए लेते जा रहे हैं, और धीरे धीरे उस लेवल पर लेके आएंगे जिससे कि विश्व के अंदर वैश्विक पटल के ऊपर ये अपना यानी सब कुछ दिखा सके। आपने देखा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में हमारी भारतीय सेना का इतना बड़ा योगदान रहा है, और उसने सबको संतुष्टि या पीस रखने की कोशिश की है, और उसके साथ में कहा वसुधैव कुटुंबकम, और वही बात कर्नल जेपी जी, इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम पाकिस्तान से तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें बड़प्पन दिखाने की जरूरत है। हाँ, पाकिस्तान अगर किसी तरह की कोई गलत गतिविधि करता है तो उसे जवाब देना है, तो सिर्फ वो वॉर फ्रंट नहीं हो सकता, और भी फ्रंट होते हैं जिससे घेरेबंदी की जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब से जैसे संदीप जी ने बोला उनकी बात से मैं कुछ हद तक सहमत हूँ, क्योंकि जो पहली सरकारें हैं उन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, इसको खुश करो, उसको नाराज करो, ये करो, उस टाइप से कोई किसी तरह की विदेश नीति नहीं थी, आर्थिक नीति नहीं थी, जिसकी वजह से जो है देश काफ़ी पिछले 70 सालों में इतनी तरक्की नहीं की जितनी तरक्की जो है अभी हम चुनिंदा सरकार जो प्रेजेंट सरकार है 2014 के बाद हम देख रहे हैं। हम क्यों देख रहे हैं, जैसा कि आप खुद पूरे देश में महसूस कर रहे हो, ये राष्ट्रवादी सरकार का एक ही नारा है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वप्रथम। हमारा जो ये नारा है ये जन जन तक पहुंच गया, और जन जन का भी ये नारा है। यहीं पर मैं ऐड करना चाहूँगा, पाकिस्तान का नारा है आतंक और आर्मी सर्वप्रथम, आतंक और आर्मी फर्स्ट। जब जहाँ आतंक और आर्मी सर्वप्रथम होंगे वहाँ विकास नहीं हो सकता, आतंक के साये में क्या विकास हो सकता है। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो हमारी विरोधी पार्टियाँ हैं वो भी काफ़ी हद तक हर एक जो सही एक्शन होता है उसका भी विरोध करती हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने बोला और बाकी विरोधी पार्टियों ने बोला कि भाई क्या बालाकोट स्ट्राइक हुई है ग्राउंड पर, इसके हमें एविडेंस दिखाइए, हमें इसके सबूत दिखाइए। जब सबूत की ज़रूरत पड़ जाती है किसी आर्मी से लेने की, तो वहाँ पर जो है विकास नहीं होता। तो इस तरह से मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जिस तरह से सरकार जो है विकास के रास्ते पर चल रही है, जिस तरह से नारा है नेशन फर्स्ट, तो जरूर जो है, और जन जन की आवाज़ है, तो जरूर हम पाकिस्तान की आतंक पर जरूर लगाम लगाएंगे। युद्ध तो कोई नहीं चाहता, कोई भी देशवासी युद्ध नहीं चाहता, और हम भी युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम पाकिस्तान के आतंक की कमर तोड़ करके रहेंगे। जिस तरह से आतंकी घटनाएं पिछले 2-3 साल में बहुत कम हुई हैं और ना के बराबर हैं, और हुई हैं तो उसका हमने करारा जवाब पाकिस्तान को दिया है। तो इस तरह से आप जो है ये हमको मानना पड़ेगा कि चिनूक और जिस तरह से तेजस जो हेलीकॉप्टर्स हैं, इंडियनाइज जो हमारी टेक्नोलॉजी विकास के पथ पर है, बढ़ रही है, ये सिर्फ आतंकवाद को रोकने के लिए है। ये तमाम सैन्य शक्तियों का जिक्र जो आप कर रहे हैं वो कोई बुरी बात नहीं है। वाकई में हम इतने सक्षम हैं, और ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला कि भारत इतना सक्षम है कि वो निपट लेंगी इन चीजों से। लेकिन सवाल उठता है कि अभी जैसे संदीप जी ने कहा, और मैंने इस बात पर अपोज भी किया कि आप इतनी बड़ी बात एक नेशनल टेलीविजन पर बैठ के कर रहे हैं, और अभी भी मैं कहती हूँ कि सर कांग्रेस ने स्लीपर सेल पाल रखा है, हालांकि कोई कांग्रेस लीडर नहीं है, मैं बार बार ये जिक्र कर रही हूं, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती क्योंकि आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। पॉलिटिकल मैच्योरिटी, संदीप जी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी
पॉलिटिकल मैच्योरिटी अगर किसी पार्टी में नहीं है और अगर कुछ इस तरह की बात सामने आ रही है, या जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर देख लें कि गुलाम नबी आजाद होते हैं या कांग्रेस पार्टी के कुछ पॉलिटिकल लीडर वहां जाना चाहते हैं और रोक दिए जाते हैं, वापस भेज दिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जाने की इजाजत मिल जाती है, तो इन्हीं चीजों को अगर उस तरीके से सरकार ने हैंडल किया होता कि यह गलत मैसेज विश्व में ना जाए। कुछ मुद्दे तो सरकार ने भी दे दिए जिसको पाकिस्तान ने इनकैश कराने की कोशिश की। अगर पॉलिटिकल मैच्योरिटी विपक्ष की नहीं है तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, क्योंकि सत्ता पर तो आप आसीन हैं। देखिए सुनीता जी, बड़प्पन या पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मैं आपको एग्जांपल दूं, ये गांधी परिवार जब मनमोहन सिंह को शपथ दिलाने के लिए सोनिया जी ने नॉमिनेट किया था, उस समय इनका पहला सवाल था कि हमें डर है इसलिए हम शपथ नहीं ले रहे हैं प्रधानमंत्री पद की। वही परिवार मोदी जी अगर 2014 में शपथ लेते हैं, पहला फोन करके गांधी परिवार के लोगों को कहते हैं कि आपको इस देश में 100% सुरक्षा मिलेगी और कहीं भी आपको जरूरत पड़े ये मेरा नंबर है, आप हमसे कभी भी हॉटलाइन पे बात कर सकते हैं। इसको बड़प्पन कहते हैं। दूसरा बड़प्पन का एग्जांपल देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 1 हो या 2 हो, अगर सर्जिकल स्ट्राइक कंप्लीट होने के बाद हमारे सैनिक सीमा के अंदर आते हैं, पहला फोन अगर प्रधानमंत्री जी किसी को करते हैं तो विपक्ष के लीडर को। तीसरा पॉलिटिकल आप बड़प्पन का एग्जांपल देखिए, भले ही हमने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर आज विफल कर रखा हो, लेकिन अगर वहां के आम पब्लिक के लिए जीवन रक्षाओं की रक्षक दबाव की जरूरत पड़ती है तो हम उन्हें सप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारी दुश्मनी वहां के टेररिज्म से है, वहां की आम पब्लिक से नहीं। दूसरी चीज, सरकार ने मुद्दा कौन सा दिया है? क्या सरकार ने कहा था आप सैनिकों पर उंगली उठाइए? क्या सरकार ने कहा था कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होंगे? क्या सरकार ने आपके आप 2014 के पहले सरकार में थे, क्या सरकार ने कहा था? मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, आरोप तो लगा कि आप ये सैनिकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चुनाव में भी कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो सैनिकों को मिलना चाहिए वो क्रेडिट कि उन्होंने किया है। तो बात कहने के अलग अलग तरीके होते हैं संदीप जी, और कहीं ना कहीं एक मुद्दा तो दिया। आखिर सत्ता पक्ष जो आसीन है वो मुद्दा देता है, तभी विपक्ष इनका अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को स्वतंत्र करवाने के जस्ट बाद अपनी सरकार बर्खास्त करके और दोबारा से चुनाव करवा लिए थे, और पूरे देश में मुद्दा था कि हमने बांग्लादेश स्वतंत्र करवाया। वहीं आप जिसको कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की? आर्मी के ऑफिसर ने कहा था। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि आप उंगली उठाइए? आपने खुद उंगली उठाई और जनता की नजरों में आप खुद गिरे हैं। तो उंगली उठाएंगे सर, उंगली उठाएंगे, सवाल उठाएंगे, लोकतंत्र है तो आप ये कहेंगे तो क्या आप सैनिकों की उंगली उठाएंगे? लोकतंत्र का मतलब यह है जो बिल्कुल नहीं संदीप जी, बिल्कुल नहीं, आप ये नहीं कहेंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर कोई, लोकतंत्र में हर कोई, सैनिकों पे उंगली नहीं उठाई थी संदीप जी, सैनिकों पे उंगली नहीं उठाई गई थी। वाकई में मैं बता दूं, सैनिकों पे उंगली नहीं उठाई गई थी, लेकिन आप अगर ये बात कह रहे हैं, आप अगर ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस ने स्लीपर सेल मार रखे, तो आपकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखती है सर। माफ कीजिएगा संदीप जी, मुझे ये कहना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ कांग्रेस का कोई लीडर नहीं बैठा है, इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आपकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं दिखती है। अगर आप अपने विपक्ष को लेकर ये कहते हैं कि स्लीपर सेल पाल रखे, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि इस तरह के स्टेटमेंट को मैं अलाउ नहीं करूंगी। मैं रोहित का स्टेटमेंट दूंगा, साबित करूंगा, मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस का कोई लीडर उसको डिनाई करके दिखा दे। चलिए आप चैलेंज कर रहे हैं, हम भी चाहेंगे कि कांग्रेस का कोई लीडर जरूर हमारी जीवन को देखे और जो ये आरोप आप इतना बड़ा लगा रहे हैं उसका जवाब जरूर मिले। रोहित जी आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी, क्या लगता है अब वक्त आ चुका है, अब सबक सिखाने की जरूरत है पाकिस्तान को? हम तो सक्षम है लेकिन अंदर खाने जो लड़ाई चल रही है उसे रोकनी होगी। फाइनल कमेंट सर। देखिए पाकिस्तान को तो हमने उसी दिन सबक सिखा दिया, उसी दिन सबक सिखा दिया पाकिस्तान को जिस दिन हमने 5 अगस्त को आर्टिकल 370 और 35 ए और बाइफरकेशन कर दिया जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। पाकिस्तान को इससे बड़ा सबक 1971 के बाद, बांग्लादेश तोड़ने के बाद, इससे बड़ा सबक नहीं सिखाया जा सकता था। अब वार्ता होगी और वार्ता होगी कि हमारा शारदा पीठ जहां हमारी मां शारदा विराजमान है पीओके में, वो हम वापिस कैसे ले, उस पर वार्ता होगी। और क्योंकि फाइनल कमेंट है, मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार, अपोजिशन को सरकार पे, सरकार का विरोध करने की खुली छूट है और करना चाहिए और डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, मगर आप सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग जाते हैं। ये अच्छी बात है, इसलिए किसी को भी जनता को बताने की जरूरत नहीं है, हमें सब समझता है, जनता को सब समझता है।
विरोध करो इस पॉलिटिकल नोट पे रोहित जी, बस इस इस पॉजिटिव नोट पर मैं एंड करूंगी अपने शो को कि विरोध करो, लोकतंत्र है विरोध करो, लेकिन विरोध करते करते ये देखो जरूर कि कहीं आप देश का विरोध तो नहीं कर रहे हो। और जहां तक बात है पाकिस्तान की, तो अब वक्त आ चुका है कि हर फ्रंट पर, वार फ्रंट ही जरूरी नहीं है, हर फ्रंट पर पाकिस्तान को भारत जो है सबक सिखाने में सक्षम है, और वक्त आएगा भारत सबक सिखाएगा। तमाम जो गेस्ट मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहे सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार, देखते रहिए आर9 टीवी।